हाय हाय हाय, मैं रवि बारोट, पन रंग के चार चार समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए जानते हैं यार, देश और दुनिया के महत्व के समाचार ओनली चार चार। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन, 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। एलन मस्क का ट्वीट, बाइडेन को गलतफहमी है कि उन्हें देश बदलने के लिए चुना गया, लोग कम ड्रामा चाहते थे इसलिए जीते बाइडेन। पाकिस्तानी सांसद आमिर लियाकत का न्यूड वीडियो हुआ वायरल, लियाकत ने तीसरी बीवी पर लगाया इल्जाम। इंडोनेशिया के कैंजरन वाटर पार्क में वाटर स्लाइड टूटी, 8 लोग घायल, 7 मई को हुआ हादसे का वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर पोन मुड़ी का विवादित बयान, कहा हमारे कोयम्बूतर में हिंदी बोलने वाले पानीपुरी बेचते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमटी, प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी। कांग्रेस में अब एक परिवार से एक ही टिकट, गांधी परिवार इस दायरे से बाहर, 5 साल से ज्यादा पद पर नहीं रहेंगे नेता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। अहमदाबाद की साल कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ एबीवीपी के नेता ने किया अभद्र व्यवहार, प्रिंसिपल को छात्रा के पैर छूने के लिए मजबूर किया। तुरंत के मंगरोल में 2 दोस्तों की पत्नियों ने एक दूसरे के पतियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, पुलिस भी हैरान है। आनंद के 3 गांव के खेतों में 3 रहस्यमय गोले गिरे, किसी सैटेलाइट के पार्ट्स होने की संभावना। वडोदरा के फतेहगंज की द लंच बॉक्स रेस्टोरेंट में कपल बॉक्स चलाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार। तो देखते रहिए देश और दुनिया के खास चार चार समाचार। मैं रवि बारोट, आपका यार। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मजे कीजिए।